Hello everyone, hello dear students. Today we are going to have a practical. We will prove Ohm's law, and by that the aim of the practical is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current. हमारा जो उद्देश्य है, हम विभवांतर एवं धारा में ग्राफ खींचकर एक दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करेंगे. तो इस प्रैक्टिकल को हम लैब में भी परफॉर्म किया है. लैब में परफॉर्म करने के लिए मैं अमिता नढानी मैम का थैंक्स बोलूँगा. उन्होंने लैब में इसको परफॉर्म किया और कुलदीप सर और सलमान सर, इन्होंने प्रिपरेशंस में हेल्प की. इन सब का भी मैं थैंक्स बोलता हूँ. इसके लिए हमें ये आपको थ्योरी में भी लिखना रहता है कि एम क्या है और हमारे ऑपरेटर्स कौन से रिक्वायर्ड हैं. तो ऑपरेटर्स हमें अमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, रियोस्टेट जो है वो चाहिए, वन वे की चाहिए, और हमें अननोन रेजिस्टेंस की वायर चाहिए, ड्राई सेल बैटरी चाहिए, और हमें कनेक्टिंग वायर्स रिक्वायर्ड हैं. तो ये हमारी सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले इसका सर्किट कैसे बनता है वो देखते हैं. तो ये बैटरी रहती है एक हमारे पास. बैटरी से हम यहाँ पर देखिए अमीटर को अटैच करते हैं. ये अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसको हम अटैच करते हैं. तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर से अटैच हुआ, और ये है अननोन रेजिस्टेंस वायर. इसको बोलते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस वायर. और ये जो वायर है रेजिस्टेंस वायर, इस पे हम वोल्ट मीटर लगा के और यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि कितना पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है. और ये रहता है धारा नियंत्रक RH रियोस्टेट, और इसको हम की से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं. तो ये बड़ा सिंपल सा सर्किट है. इसको हम यहाँ कैसे अटैच करेंगे, आपके पास ये सब रहेगा लैब में. लैब में आपके पास सबसे पहले ये सेल रहता है, तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आप अमीटर के पॉजिटिव से अटैच कर देंगे, ठीक है. और इसके बाद अमीटर का नेगेटिव जो है वो ये हमारे पास जो अननोन वायर है, ये अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अमीटर का नेगेटिव यहाँ अटैच करेंगे आप. और अमीटर के नेगेटिव से ही या फिर इसके ये जो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर का पॉजिटिव अटैच करेंगे. देखिए वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव अटैच्ड है. आप समझ पा रहे हैं, तो ये आप ध्यान भी रखेंगे लैब में, ये गलती नहीं होनी चाहिए. अमीटर का नेगेटिव आपको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से अटैच करना है. और वोल्ट मीटर क्योंकि पैरेलल में लगता है, तो ये इसका जो सेकंड सिरा है इस वायर का, ये जो अननोन रेजिस्टेंस वायर है, इसको हम वोल्ट मीटर से अटैच कर देंगे. तो अब वोल्ट मीटर इस वायर के पैरेलल में हो चुका है, और अमीटर सीरीज में है ही. देखिए अमीटर ये सीरीज में चल रहा है. अब यहाँ से सेल का नेगेटिव की से अटैच होगा. तो ये है सेल का नेगेटिव, इसको हमने की से अटैच किया, और की का दूसरा सिरा जो है हम अटैच कर देंगे धारा नियंत्रक से, एक रियोस्टेट से. और रियोस्टेट का ये ऊपर वाला टर्मिनल अटैच होगा हमेशा, और ये नीचे वाला जो टर्मिनल है दूसरे साइड का, इसको हम अटैच करेंगे जाके वायर से, जिस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ये इस तरह से सर्किट इसमें फॉर्म किया जाता है. तो आई थिंक आपको ये सर्किट समझ आ गया होगा. अब हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है. तो इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है कि टेम्परेचर, प्रेशर और अदर फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट रहती है किसी वायर की, किसी कंडक्टर की, तो उसका में फ्लो होने वाली जो करंट होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट. उसके जो हम टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं उसके प्रोपोर्शनल करंट ही उसमें फ्लो होती है. तो आई प्रोपोर्शनल टू वी, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई. यहाँ से हम B इज इक्वल टू R, R एक कांस्टेंट होता है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं तार का. तो V इज इक्वल टू आर आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. इस फार्मूले को यूज करके हम R प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ओके. लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है कि मिनिमम कोई भी ऑपरेटर्स कितना मेजर कर सकता है. तो अमीटर का लीस्ट काउंट और वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट, जो हमें अमीटर दिया गया है और जो वोल्ट मीटर दिया गया है उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना होता है. और लीस्ट काउंट जो है वो हम कैसे काउंट करते हैं कि उसकी रेंज क्या है, यानी कि कितने वोल्ट तक मैक्सिमम नाप सकता है वो. तो हमारे पास जो है वो 3 वोल्ट का, जैसे मान लीजिए अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वो 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर है. तो
तो वो 3 वोल्ट मैक्सिमम मेजर कर सकता है, तो ऊपर आएगा कि इसकी रेंज अपॉन नीचे आएगा नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, कुल विभाग कितने हैं, कुल खाने कितने हैं, तो उसमें जो हम वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं 60 हैं उसमें, तो 3/60.05 आया। ये अभी मैं आपको लैब में जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा तभी मैं बताऊँगा कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको लैब में परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम यहाँ से इस धारा नियंत्रक से रियोस्टेट से इस की को सबसे पहले प्रेस करेंगे। हम की को प्रेस करने के बाद सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा, यानी सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब इस रेजिस्टेंस को हम मिनिमम रेजिस्टेंस पे ले आएंगे, उस वक्त यहाँ पर जो है जो करंट है इसमें वोल्टेज जो है इस रेजिस्टेंस वायर में करंट मैक्सिमम फ्लो होगी और वोल्टेज इसमें मैक्सिमम ड्रॉप होगा, तो उस वोल्टेज को हम इस वोल्ट मीटर से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और वो खानों की संख्या आएगी, उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ये वोल्टेज निकाल लेंगे उस वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। जब यानी कि रेजिस्टेंस हम मिनिमम पे रखेंगे उस पर हम एमीटर में कितने करंट फ्लो हो रही है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी, एक एमीटर की। ओके, फिर सेकेंड रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट से अब इस रेजिस्टेंस को जो मिनिमम रखा हुआ था थोड़ा सा बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाने से ये रीडिंग जो है वोल्ट मीटर की कुछ कम हो जाएगी अगली बार सेकंड रीडिंग। तो हम देखेंगे क्या उसी प्रोपोर्शनल में मीटर की रीडिंग कम हुई, क्योंकि देखिए R इजिकल टू वी अपॉन आई, अभी मैंने बताया आपको R इजिकल टू वी अपॉन आई, R कॉन्स्टेंट है, तो अगर V कम हो रहा है तो I भी कम होना चाहिए। तो नेक्स्ट रीडिंग में अगर V कम हुआ तो हम देखेंगे क्या I भी कम हुआ, और सेम प्रोपोर्शनल में कम होना चाहिए, सेम रेशियो में कम होना चाहिए, तभी हम बाद में इसमें जो ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग रीडिंग्स लेंगे, क्लियर। और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उन रीडिंग्स को हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, हम पहले रीडिंग्स लेंगे फिर इस ऑब्जर्वेशन टेबल पे आएंगे, उन रीडिंग्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें रीडिंग कौन कौन सी लेनी है पहले ये बात कर लेते हैं। हमें लेनी है वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग, और बार बार चेंज किसको करना है हमारे को, इन रीडिंग्स को, 5 रीडिंग्स को लेने के लिए हमें जो रियोस्टेट है धारा नियंत्रक है उसको मूव करके उसके अंदर रेजिस्टेंस बदल के हमें रीडिंग्स लेनी है। ओके, पहले उसको अगर जब मिनिमम पे रखेंगे तो हमारे वोल्ट मीटर और मीटर की रीडिंग मैक्सिमम आएगी, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस हम उस धारा नियंत्रक में बढ़ाएंगे यानी कि उसको थोड़ा आगे मूव करेंगे वैसे वैसे ही रीडिंग्स कम होती जाएंगी, लेकिन इनका प्रोपोर्शन सेम रहना चाहिए ओम्स लॉ में। तो देखते हैं क्या इनका प्रोपोर्शन सेम रहता है। तो इस प्रैक्टिकल को लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं लीस्ट काउंट आपको कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए टोटल कितने रेंज क्या है इसकी 3, और इसमें टोटल अगर खाने काउंट करें तो ये हैं 60, तो आंसर आया 3/60 यानी 0.05। ऐसे ही इसका भी 3/60 है मीटर का भी, तो इसका भी 0.05 लीस्ट काउंट हुआ। सबसे पहला ये लीस्ट काउंट करने का काम करेंगे। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि मीटर का नेगेटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से टेस्ट किया हुआ, देखिए यहाँ पर वायर से शायद आपको नजर आ रहा हो कनेक्शन में, और ये है अननोन वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये है धारा नियंत्रक रियोस्टेट। अब हम की को प्रेस करेंगे, सर्किट ऑन हो चुका है, थोड़ा सा हमने इसको मूव किया, इसको मूव करने से हम देखिए हम एक रीडिंग ले रहे हैं, और ये रीडिंग जो है आपके पास ऑलमोस्ट वी के अंदर जो रीडिंग आ रही है वो 10 खाने आ रही है। अगर ये बिल्कुल सामने से देखेंगे आप, थोड़ा यहाँ साइड से दिख रहा है आपको, सामने से देखेंगे तो पता लगेगा कि ये टोटल 10 डिवीजन है, और अमीटर की रीडिंग कितनी है 20 डिवीजन है। अब हम नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए इसको मूव करेंगे, तो हमने मूव किया, देखिए ये नेक्स्ट रीडिंग आई, दैट इज 8 डिवीजन। ये सामने से नहीं शो हो रहा है वीडियो में इसलिए आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है, तो ये 8 डिवीजन आई, और यहाँ पर 16 डिवीजन आ चुकी है, यहाँ कितनी आ चुकी है 16 डिवीजन आ चुकी है। तो हमने 2 रीडिंग ली, उन ऐसे ही हम बाकी रीडिंग्स भी ले लेंगे। ओके, तो आपको लिस्ट काउंट निकालना, रीडिंग लेना, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, टोटल रेंज अपॉन में ये टोटल छोटे छोटे सब खाने काउंट करने होते हैं, कितने हैं डिवीजन कितने हैं, क्लियर। अब हम वापस से प्रैक्टिकल पे आते हैं अपने, कि प्रैक्टिकल परफॉर्म लैब में होने के बाद अब इसको रीडिंग्स को हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग हमारी थी, हमने नंबर ऑफ डिवीजन वोल्ट मीटर में काउंट किए वो थे 10। इसका नेक्स्ट होता है इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमें वोल्टेज निकालनी है, तो 10 इंटू लिस्ट काउंट है 0.05, तो ये आया 0.5 वोल्ट, यानी कि हाफ वोल्ट। तो हाफ वोल्ट की जब रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर की, तो उस वक्त हमने देखा मीटर में कितने हमारे डिवीजन थे,
डिफ्लेक्टेड 20, इसको हमने 20 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से, तो ये आया 1 एम्पियर, ये एम्पियर्स में है और ये वोल्ट में है, तो ये 0.5 अपॉन 1, तो आंसर आया 0.5 ओम। रेजिस्टेंस हमारा जो आ रहा है दैट इज इन ओम, तो ओम के अंदर रेजिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट रीडिंग में आया 0.5 ओम में है, दिस इज इन ओम। ऐसे ही हम सेकेंड रीडिंग हमने देखा था कि जब वोल्ट मीटर के डिवीजन 8 हो गए थे, कम हो गए थे, तो नेक्स्ट रीडिंग में अमीटर के भी हमारे पास 16 आ गए थे, तो इसको भी हमने 8 को मल्टीप्लाई किया किससे, लीस्ट काउंट से, आंसर आया 0.4, और 16 डिवीजन आए अमीटर में, उनको भी लीस्ट काउंट 0.05 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.8। तो इनका अगर रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ वी अपॉन आई, आर की वैल्यू होती है वी अपॉन आई, तो वो भी आ रहा है 0.5। तो ये हमारे पास रेशियो हर बार 0.5 ही आ रहा है, हर रीडिंग हमारे पास, हम इस तरह से टोटल 5 रीडिंग्स ली हमने, और फिर इसका हमने आगे कैलकुलेशन पार्ट देखा भी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो कैलकुलेशन पार्ट ये रहा, वी वन कैसे काउंट किया, नंबर ऑफ डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, ये आ गया आई वन, नंबर ऑफ डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, इतना। आर वन कैसे काउंट किया, वी वन अपॉन आई वन, वी वन अपॉन आई वन, इस तरह से हम वी टू आई टू आर टू सब निकालेंगे, कहाँ तक चलेंगे, वी फाइव आई फाइव आर फाइव तक, आपको कैलकुलेशन में सभी लिखने हैं, मैंने यहाँ सिर्फ 2 मेंशन किए हैं, 1 मेंशन किया है। फिर एवरेज निकाल लेंगे, है ना, मीन निकाल लेंगे, तो मीन रेजिस्टेंस ही आ गया। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, तो इसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, और लेंथ आपको वायर की कहाँ से कहाँ तक नापनी है ये आपको प्रिक्वेशंस में भी लिखना है। लेंथ को हमने जहाँ जो, अगर मान लो कहीं पर लेंथ किसी स्क्रू के अंदर आ गई है वो काउंट नहीं करनी है, लेंथ जो ओपन है ओनली वही लेंथ हमें स्केल से मेजर करनी है, ओके। और अगर आपको रेसिस्टिविटी का भी प्रैक्टिकल होता है कई स्टेट्स में, तो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए स्क्रू गेज से आपका इसका रेडियस डायमीटर ज्ञात होगा, फिर रेडियस, फिर पाई आर स्क्वायर से एरिया, तो आप रेसिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक ग्राफ भी प्लॉट करना होता है, तो ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा उसके लिए, और आपको एक ग्राफ पेपर पे इस तरह से आपको ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा V एंड I के बीच में, तो ये ग्राफ भी आप प्लॉट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ग्राफ हो सकता है क्लियर कम हो आपको, तो ये ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना रहता है। अब इसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आया, तो रिजल्ट हमारा ये आया कि इसका रेजिस्टेंस तो है 0.5 ओम और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है 0.016 ओम पर सेंटीमीटर, ये हमारा रिजल्ट है, इसको इस तरह से लिखना है। और लास्ट में आती है प्रिक्वेशंस, तो प्रिक्वेशंस में आपको बेसिकली मैंने बता दिया है, एक तो हम लगातार इसको नहीं लेंगे रीडिंग को, क्योंकि लगातार रीडिंग को अगर हम लगातार ऑन रख के रीडिंग लेते हैं तो उससे नुकसान ये है कि वायर गर्म हो जाती है, और गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस जो है वो बदल जाता है टेम्परेचर बदलने से, तो आप स्टेप बाय स्टेप रीडिंग्स लेंगे। दूसरा, टर्मिनल्स को सभी चेक करेंगे, टाइट होने चाहिए, ये सब यहाँ पर मेंशन है, आप पॉज करके इनको देख सकते हैं। और अमीटर का नेगेटिव जो है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और अमीटर को आप किस में लगाएंगे, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को लगाएंगे किस में, पैरेलल में, ये सब इसके बात आप ध्यान रखेंगे, और इनको आपको एग्जाम में लिखना भी रहता है। तो आई थिंक आपको पूरा प्रैक्टिकल क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको रीडिंग्स कैलकुलेशंस एक एक पार्ट इसका समझा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम 12th का ही एक प्रैक्टिकल लेंगे और हम उस प्रैक्टिकल को अपलोड करेंगे। आप कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे दीजिएगा, बताइएगा, ताकि मैं उस हिसाब से आपको और क्लियरिटी से बता सकूं। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।